हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है वाटर पोल्यूशन पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है, क्या कॉजेज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किस तरह हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और एंड करेंगे विद अ शॉर्ट कॉन्क्लूजन। तो वाटर जो बहुत बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, ही वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में है फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन एक मेजर कंसर्न है जो इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी को। यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या उसके इफेक्टिव प्रिवेंशन मेजर्स हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन है क्या? तो इट रेफर्स टू द कॉन्टिमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग लेक, रिवर्स, ओशन एंड ग्राउंड वाटर विद हार्मफुल सब्सटेंस। तो जब भी किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे वो लेक है, रिवर है, ओशन है, ग्राउंड वाटर है, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस कॉन्टिमिनेट होते हैं, यानी मिल जाते हैं, तो वो वाटर बॉडी को पल्यूट कर देते हैं। ये कॉन्टिमिनेशन है, इसके बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं एक्वेटिक लाइफ पे, इकोसिस्टम पे, और ह्यूमन कम्युनिटीज जो उस वाटर सोर्सेज पे डिपेंड है। तो कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो फैक्ट्रीज जो है अनट्रीटेड या इनएडुकेटली जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसको किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज कर देती है जो भी उनके नियर बाय होते हैं। इससे क्या होता है, पल्यूटेंट्स जो जैसे हैवी मेटल्स या केमिकल्स पानी में जाके मिल जाते हैं, जो वाटर बॉडी को इफेक्ट करते हैं। द अदर इज एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो जो यूज़ है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का एग्रीकल्चर में, वो कैरी करता है रन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस का लेक्स और रिवर में, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूशन एल्गल ब्लूम्स कॉज करते हैं। द अदर इज इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। तो जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है हाउस होल्ड वेस्ट का, प्लास्टिक्स का, या और जो डेब्रिस है, वो कंटिमिनेट करते हैं वाटर बॉडीज को और एक्वेटिक लाइफ और इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। देन देयर इज ऑयल स्पिल्स। तो एक्सीडेंटल या तो गलती से या डेलिब्रेटली जान के जो डिस्चार्ज होता है ऑयल्स का इनटू वाटर बॉडीज, ये मरीन लाइफ को हार्म करते हैं और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और कोस्ट लाइन्स को डैमेज करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इसका एक्वेटिक लाइफ पे। जो कंटेमिनेंट्स हैं, जो जो भी पल्यूटेंट्स हैं, वो फिश की डेथ तक को लीड कर सकते हैं और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में और इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हेल्थ रिस्क की बात करें तो जब हम ये कंज्यूम करते हैं पल्यूटेड वाटर, वो पीते हैं या फिर कोई भी चीज़ में कहीं पे भी किसी काम में यूज़ करते हैं, तो हम वाटर बॉर्न डिजीज़ जैसे डायसेंट्री या कोई गैस्ट्रो इंटेस्टल प्रॉब्लम्स की ओर लीड करते हैं। द अदर इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो वाटर पोल्यूशन का इंडस्ट्रीज पे बहुत ही एडवर्सरी इफेक्ट है, जैसे फिशरीज, टूरिज्म, और ये लोकल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पोल्यूशन जो है डिक्लाइन कर रहा है वेरियस स्पीशीज, क्योंकि जब ये कंटेमिनेट वाटर बॉडीज में जा रहा है तो एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारे स्पीशीज की जो है लाइफ वो खत्म हो रही है, और जिस वजह से इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है और ओवरऑल जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो रही है। प्रिवेंशन और मिटिगेशन की बात करें तो सबसे पहला है वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो भी हमें वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वो वाटर बॉडीज़ में ना पहुँचे। रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट। तो हमें जो भी रेगुलेशन है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पे, एग्रीकल्चर रन ऑफ पे, या सीवेज ट्रीटमेंट पे, ताकि हम इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को बनाए रख सकें। द अदर इज सॉरी एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। तो हमें वाटर कन्वर्जेशन के प्रति अवेयर करना चाहिए पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए थ्रू अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स, और एक रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़ को प्रमोट करना चाहिए। देन देर इज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें जैसे हमने पहले ही बोला कि हमें सारे इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस पे, एग्रीकल्चर रन ऑफ पे स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि हमारा ग्रीन इंडिया पे, ग्रीन इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस हो सके। द अदर इज कम्युनिटी इन्वायरमेंट। तो जितना हम आसपास की कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन लेंगे क्लीन अप इनिशिएटिव्स में, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने में और एडवोकेट करने पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके और इंकरेज कर सके बाकी लोगों को भी। सो आई लेट अस एंड द वीडियो विद अ शॉर्ट कंक्लूजन। तो वाटर पोल्यूशन एक मल्टीफेसेटेड चैलेंज है जो कंसर्टेड एफर्ट्स डिमांड करता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट से। उसके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और प्रिवेंटिव मेजर्स समझ के हमें उसके प्रति कैसे
कलेक्टिव वर्क करना है ताकि हम अपने प्रीशियस वाटर रिसोर्सेज को अपनी करंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर सकें। तो ये टाइम है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सस्टेनेबल चॉइसेस बनाएं ताकि हम एक क्लीन एंड हेल्थी एक्वेटिक एनवायरनमेंट को इंश्योर कर सकें। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।